वाराणसी के लहुबीर इलाके में उस समय अफरातफरी का माहौल हो गया जब अनाथालय बिल्डिंग में रेमंड शोरूम में अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना दुकान मालिक को दी। आनन फानन में मौके पर पहुंचे दुकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया था। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, साथ ही आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हमारे प्रेसिडेंट हैं प्रभाकर सिंह, उनका फोन आया था घर पर कि आपके सामने वाले पड़ोसी मुपेड हाउस वालों ने फोन करके उनको सूचना दी कि आपकी दुकान में से धुआं निकल रहा है। तत्काल हम आ गए, अपने भाइयों को खबर की, वो आ गए और फायर ब्रिगेड को भी, हो सकता है मुपेड हाउस वाले या प्रभाकर सिंह ने ही खबर कर दी हो, तो उसके आधार पर फायर ब्रिगेड भी आ गई। मैं आया तो देखा कि फायर ब्रिगेड वाले अपना काम पूरी तरह से कर रहे थे और करीब करीब आधा काम खत्म भी कर लेते, आधा क्या पूरा ही उन्होंने अपने ही ओर से कर लिया। क्या वजह थी, कुछ क्लियर हुआ है आपको? नहीं, अभी तो नहीं पता चला। कितना नुकसान हुआ का कुछ अनुमान? अभी उसका कैसे अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि अंदर जब रोशनी नहीं है, देख नहीं सकते, तो कैसे इसका अनुमान लगा सकते। आप कहाँ लगी है, कहाँ से शुरुआत हुई है? जहाँ बोर्ड है, जहाँ से बिजली डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, वहीं पर लगी है। ये लगभग 5 बजे हमारे यहाँ कंट्रोल रूम पे सूचना आई है और एक व्यक्ति भी दौड़ करके गए वहाँ पे, बताया कि यहाँ पे रेमंड शोरूम है, इसमें आग लगी है। इस सूचना पे हमारी यूनिट तुरंत यहाँ घटना के लिए पहुँच गई और यहाँ पर आकर देखा गया, चूँकि ताला बंद था और अंदर से धुआं दिखाई दे रहा था। हम लोग तब तक इन दुकान के जो मालिक हैं वो भी पहुंच गए, उन्होंने इसको ताला को खोला और इसको अग्निशमन कार्य किया गया, लेकिन चूंकि ये धुआं काफ़ी अंदर से भरा हुआ था जिसको एग्जास्ट के माध्यम से फिर निकाला गया है और फिर उसको जो है नियंत्रित कर ली गई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। घटना के कारण और नुकसान का आकलन बाद में किया जाएगा। घटना क्यों हुई? अभी प्रथम दृष्टया इसके बारे में कुछ कहना किन कारण से हुई, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट हो सकती है, लेकिन इसका वास्तविक कारण क्या है उसका बाद में आकलन किया जाएगा।